परिवार इस बार एक साथ आया है और ये हम लोग के लिए नए प्रकार की चुनौती है। इसमें हम लोगों ने ऐसे स्पॉट आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पर पुराने समय में या फिर वर्तमान में कोई समस्या है, उसको लेकर हम लोग एक तरह से चौकन्ने हैं। वहाँ पर टोल 48 घंटे तक लगातार रहेगी। हम लोग किसी को भी हुड़दंग नहीं करने देंगे होली के नाम पर, लेकिन होली जो लोग सफलता के साथ हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहते हैं वो लोग खुलकर अपनी होली मना सकते हैं। इसी प्रकार से शबरे बरात शैतानी बदमाशी की जरूरत की जाएगी। होली के लिए अगर आदमी को अपने हाथ में लेता है तो उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने सभी प्रकार की व्यवस्था की है। बाहर से PSC RAF अन्य रोड से यहाँ पर आया हुआ है और उनकी इस कार्यक्रम में लगाई जा रही है। जनपद के सभी कस्बों में, सभी गाँव में और सभी होलिका दहन पर प्रयास है कि वहाँ पर कोई ना कोई ड्यूटी रहे और उस निगरानी में सभी जो पर्व है वो शांतिपूर्वक संपन्न हो। इस पर 7 तारीख को शबे बरात का त्यौहार है और 8 तारीख को होली है। पूरे जनपद में लगभग 1078 जगहों पर होली जलाई जाएगी और इसके लिए प्रत्येक स्थल को एक एक स्थल को चिन्हित किया गया है, उसको विजिट किया जा रहा है। इसके साथ ही हम लोगों ने पूरे जनपद में व्यापक रूप से प्रत्येक थाने पर महत्वपूर्ण जो सेंसिटिव चौकियां हैं वहां पर और कई ऐसे स्थलों पर जहां से जुलूस निकलेगा वहां पर मजिस्ट्रेट की तैनाती की है। पुलिस की तैनाती भी इसी के साथ की गई है। सभी मजिस्ट्रेट ने अपने अपने एरियाज को व्यापक रूप से देख लिया है। कहीं पर किसी प्रकार की कोई ऐसी समस्या अगर नज़र में आई भी है तो उसका भी संवाद स्थापित करके पहले ही समाधान करने की पूरी कोशिश की गई है और ऐसे सभी पुराने विवादों को भी चिन्हित करके उनका भी समाधान करवा लिया गया है। हम लोगों ने थाना स्तर पे और जिला स्तर पे पीस कमेटी बैठकें की हैं और सभी लोगों के साथ, सभी धार्मिक गुरुओं के साथ, सभी कार्यक्रमों के आयोजकों के साथ हम लोगों ने बैठ के एक संवाद स्थापित किया है और उनसे पूरा आश्वासन मिला है कि आने वाले त्योहारों को अच्छे से मनाया जाएगा। इसमें हम लोगों ने सोशल मीडिया पर विशेष नजर बनाई हुई है। कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी प्रकार की कोई शरारती तत्व अगर कोई भी ऐसी शरारत करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ पुलिस और प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए।